नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनोहर की रसोई में। आज हम बनाएंगे बेसन की भरवा मिर्ची, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन की भरवा मिर्ची बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ी साइज़ की मिर्ची ली है। इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो गैस पे एक पैन रख दिया है, इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी की जगह आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। 4 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है। बेसन को हम अच्छे से धीमी आंच पर भून लेंगे। बेसन भूनते टाइम हमें लगातार चलाते जाना है और गैस की फ्लेम को कम ही रखना है, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा। लगातार चलाते हुए हम बेसन को अच्छे से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट में बेसन भून जाएगा। थोड़ी देर में बेसन का कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो यही बेसन के भुनने की पहचान है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमें बेसन को भूनते हुए। देखिए बेसन का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। 1-2 मिनट और चलाएंगे इसे, जिससे हमारा बेसन कच्चा नहीं रहे। ये देखिए बेसन हमारा तैयार है। अब इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसमें अगर कोई गुठलियाँ है तो हम चम्मच की सहायता से उसे हटा देंगे, एक जैसा कर लेंगे। इसको ठंडा होने देते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। ये सौंफ ली है मैंने, हरी वाली सौंफ डाल देंगे। इससे बेसन मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये कटा हुआ लहसुन है, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। ये 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है मैंने। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अगर आप 3 से 4 दिन से ज़्यादा अगर बेसन मिर्ची को रख सकते हैं तो आप इसमें प्याज स्किप करें। प्याज डालने के बाद ये 2 ही दिन चल सकती है। थोड़ा सा दही डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है बेसन मिर्ची। आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखें। सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर की जगह नींबू भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और सारे मसालों को हम हाथों से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मसाला तैयार है। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें अचार का तेल भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। अब मिर्ची को हम चाकू की सहायता से कट कर लेते हैं। सारी मिर्ची के चीरा लगा देंगे। इस तरीके से सारी मिर्ची को हम चीर लेंगे। मिर्ची अगर ज़्यादा तीखी हो तो आप इसमें से बीज निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ बीज नहीं निकाले हैं। अब सारी मिर्ची में हम मसाला दबा दबा कर भर देंगे।
मिर्ची को बंद कर देंगे। इसी तरीके से हम सारी मिर्ची में मसाला भर देंगे। आप एक बार इस तरीके से मिर्ची में बना कर देखें, बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने सारी मिर्ची भर दी है। ये थोड़ा सा हमारा मसाला बच गया है, इसका भी हम यूज़ करेंगे बाद में। ये मिर्ची भी हमारी भर गई है। अब गैस पे एक पैन रखा है, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। जीरा डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को हमें धीरे रखना है और एक एक करके मिर्ची डालते जाएंगे। तेल गरम होने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम करना है, नहीं तो हमारी मिर्ची जल जाएगी। अब 2 मिनट ढक्कन लगाकर एक साइड मिर्ची को पकने देते हैं। दो मिनट बाद हम मिर्ची को चेक कर लेते हैं, पलट देंगे। सारी मिर्ची को हमें पलट देना है। अब फिर से हम ढक्कन लगाकर 2 मिनट एक साइड से और पकने देते हैं। 2 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे और ये जो हमारा मसाला बचा हुआ है ये सारा मिर्चियों के ऊपर डाल देंगे। ये तेल जो हमें ज़्यादा दिख रहा था ये सारा मसाला सोख लेगा। एक बार मसाला सेट होने देते हैं। दो मिनट के लिए फिर से ढक्कन लगा देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालना है, हाथों में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, जिससे हमारी मिर्ची सॉफ्ट रहेगी, कड़क नहीं होगी। ढक्कन लगाकर फिर से हमें 2 मिनट पकाना है। एक बार सबको पलट देते हैं। यहाँ आपको अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर और पका सकते हैं। मिर्ची हमारी पक गई है, लेकिन 1 मिनट थोड़ी सी हम और पकाएंगे। इसके लिए हम ढक्कन लगाकर 1 मिनट इसे और पकने देते हैं। ये लीजिए तैयार है हमारी बरवा मिर्ची। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप भी बेसन मिर्ची बनाइए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मनोहर की रसोई पर।